भारत वंदे मातरम। आज हम रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर एक ऐसे विषय को लेकर आ रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ, जो एक आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है। उनकी आज प्रदेश स्तरीय कोई मीटिंग है जींद में, और उसी के निमित्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला जींद के मजदूर संघ के प्रधान श्रीमान सतबीर बुरा जी। हम जानना चाहेंगे माननीय महोदय जी से कि आज का कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले मैं आपके रिवॉल्यूशन इंडिया के चैनल को धन्यवाद करता हूँ जी। आज की जो बैठक है भारतीय हरियाणा स्टेट भारतीय मजदूर संघ के कार्य समिति की बैठक है जी। ये बैठक हर चार माह के बाद होती है। आज जींद का सौभाग्य है, कई वर्षों में ये बैठक जींद में तय हुई है जी। इस बैठक के अंदर जो फैसले होंगे वो बैठक में लिए जाएंगे हाउस में जी, वो बाद में आपको बता दिए जाएंगे जी। मेन उद्देश्य आपके इस मजदूर संघ का क्या, किस उद्देश्य को लेकर आपने ये मजदूर संघ बनाया? ये जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको रोजगार पक्के करवाना, और ये जो निगम है उसके पोर्टल को चालू करवाना, और जो कर्मचारी पोर्टल पर नहीं चढ़े हैं उनको पोर्टल पर चढ़ाने का कार्य भारतीय मजदूर संघ कराएगा। तो आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर कौन मौजूद रहेंगे? आज हमारे उत्तरी क्षेत्र के संगठन मंत्री श्रीमान पवन कुमार जी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और इसमें हमारे महामंत्री भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के श्री हवा सिंह मैला भी मौजूद रहेंगे जी। आइए किसी एक और शख्सियत से मिलवाते हैं, जिला हरियाणा भवन निर्माण के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान राममेहर जांगड़ा जी से आपको मिलवाते हैं जी। बताइए, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नमस्कार साथियों, नमस्कार, आप सभी को भी मेरा बार बार प्रणाम जी। साथियों, मैं आज ज़्यादा तो क्या कहूँगा, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संघ है पूरे राष्ट्र में, मैंने आज तक इससे बड़ा कोई संघ सुना ही नहीं है जी। और मैं तो सिर्फ एक यही कहना चाहता हूँ, भारतीय मजदूर संघ हो या कोई और संघ हो, सिर्फ मजदूरों की सुनाई ज़रूर करें जी। मेरे हिसाब से मजदूरों की सुनाई कम है, जो भी संगठन है वो सारे सैलरी वाले हैं। एक मजदूर है जो भवन निर्माण का, वो कोई सैलरी वाला नहीं है जी। बिल्कुल फुटपाथ पे रहने वाला मजदूर है जी। चाहे हम सदस्यता की बात करें, सैलरी वाला साथी तो अपने चाहे एक महीने की सैलरी दे दे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मजदूर कहाँ से सदस्यता देगा, मजदूर नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है, भवन निर्माण का कोई भी कार्य सीएससी पे चला गया, सीएससी वाला के तो सरकार भी पैसे देती है, चाहे वो फार्म उसका फ्री में भी लगा दे, लेकिन संगठन तो नहीं लगा सकता, उसका तो खर्च आता है, ऑफिस भी है, वर्कर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और पदाधिकारी भी हैं, उनकी सैलरी भी, ऑफिस का किराया भी, सभी कुछ निकालना पड़ता है। मान के चलो 100-200 रुपये ले भी लें तो भी हम पर आरोप है। इस आरोप को देखते हुए सभी काम सीएससी में चला गया, सीएससी वाले लूटते भी हैं और सरकार से भी पैसा लेते हैं, हम वैसे भी सीएससी वाले के माध्यम से बदनाम हैं, पैसे लेते हैं सीएससी वाले और हम कुछ ना लेते हुए भी बदनाम है। भवन निर्माण के साथियों ने ये खा लिया, ये लूट लिया, हमारे पास आज के दिन मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। मैं तो ज़्यादा यही कहूँगा कि संगठन हमारी कुछ सुनवाई करे तो हमारा भी भला हो सकता है, हमारा भला होगा तो सभी का भला होगा। कर भला हो भला अंत भले का भला, मजदूर का भला हो गया तो मेरे हिसाब से पूरा समाज का ही भला हो गया। जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पर इस विषय को जो आज की बैठक है, इस बैठक में भी चिंतनीय विषय है, विचारणीय विषय है। निश्चित तौर पर जो इस मीटिंग के प्रमुख वक्ता होंगे उनके माध्यम से भी इस विषय को रखा जाएगा, और निश्चित तौर पर समय समय पर आप सब लोगों की आवाज़ बनकर काम करेगा रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष को तो बुलाओ। पवन कुमार जी पहुंच रहे हैं, हम सभी उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान में सम्मान के योग हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ
विमल पर आए और आज की बैठक के अध्यक्ष रहे हैं शिव कुमार जी, उनके साथ मैं अनुरोध करता हूँ माननीय क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान पवन कुमार जी से भी वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। पवन कुमार जी, मैं अनुरोध करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार जी से, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान पवन कुमार जी से और जिला जींद के जिला अध्यक्ष श्रीमान सत्यवीर बुरा जी और इस विभाग के विभाग प्रमुख श्रीमान करमवीर संधू जी आज इस बैठक की शुभारंभ करने से पहले जीव प्रदीप कर उद्घाटन के लिए पहुंचे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय मातृ संग अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मातृ संग अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मातृ संग अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, नई जवानी केसरिया रंग मधुरों का मधुर रंग, नई जवानी केसरिया रंग मधुरों का मधुर रंग, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नई जवानी केसरिया रंग, नई जवानी केसरिया रंग, आवाज दो, आवाज दो, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे राम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे राम, भारत माता की जय। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे।